नया साल किसी के जीवन में खुशियां लेकर आता है तो किसी के लिए कठिनाइयों से भरा रहता है। लोगों में जानने की उत्सुकता रहती है कि उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। तो आपको बता दें कि नए कपल्स जिन्होंने अभी अभी शादी की है और अपने नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की है, उनके लिए यह साल कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता से। मानते हैं तो जो नए साल में अभी जो ग्रह हैं वर्तमान में उनकी स्थिति को देख करके यदि कहें तो ये वर्ष नव युगल के लिए अच्छा रहे, क्योंकि कारण बृहस्पति भी मेष राशि में अभी है और वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो नव युगल की दृष्टि से बहुत अच्छा समय वर्ष है उनको निश्चित रूप से हो। लेकिन कहीं कहीं अहंकार के टकराव जरूर होंगे, क्योंकि इस वर्ष जो मंगल और शनि दोनों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में और मेष राशि में सूर्य के जो प्रवेश हो रहा है उस हिसाब से शनि और मंगल का युति बंद है। शनि मंगल की युति बनती है तब तर्कों के टकराव समाज में भी होते हैं और घरों में भी होते हैं, तो मैंने प्राय पाया है तो ये जरूर होगा। तो बहुत अच्छा होगा, अपने ईगो को साइड में रखेंगे तो नवयुगल काफ़ी आनंद ले पाएंगे अपने वैवाहिक जीवन का इस वर्ष। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।